उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के सहतवार थाना क्षेत्र के अंतर्गत त्रिकालपुर में गैंगरेप की शिकार होकर मां बनी एक 15 वर्षीय नाबालिग किशोरी ने मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग व जिलाधिकारी को अलग अलग पत्र भेजकर अपनी पीड़ा सुनाई है। पीड़िता ने दो टूक कहा है कि यदि आरोपियों की गिरफ्तारी व उसके भरण पोषण की व्यवस्था नहीं हुई तो वह 10 जनवरी 2018 को कलेक्ट्रेट में अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेगी। किशोरी के मुताबिक गांव के ही दो युवक 10 अप्रैल 2017 को पारिवारिक सदस्यों के खेत में होने का लाभ उठाकर घर में घुस गए और मारपीट कर गैंगरेप किया। इसके चलते वह गर्भवती हो गई। इसकी नामजद प्राथमिकी 9 अगस्त को सहतावर थाने में दर्ज कराई गई। इसी क्रम में 19 सितंबर को जिला अस्पताल में एक बच्चे का जन्म हुआ जो पूर्णतया कुपोषित है। इसका पालन पोषण करने में पीड़िता ने स्वयं को असमर्थ बताया है। घटना के एक आरोपी को पुलिस द्वारा जेल भेज दिया गया है जबकि दूसरा मुख्य आरोपी गाँव में घूम घूम कर समझौता के लिए पूरे परिवार को जान माल की धमकी दे रहा है। पीड़िता के मुताबिक उसके पिता मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। परिवार का भरण पोषण माँ खेत में मजदूरी करके करती है। पीड़िता ने पत्र में लिखा है कि माँ बाप की खराब स्थिति, समाज का ताना, आरोपी की धमकी और अपमान से वह पूरी तरह से टूट गई है। यूपी में किशोरियों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा बनाए गए तमाम नियम व कानून कायदे के बावजूद भी दबंग व बदमाश किशोरियों के साथ छेड़खानी व दुष्कर्म जैसी घटनाओं को अंजाम देकर लगातार पुलिस को खुले चुनौती दे रहे हैं। मामला बलिया के सहतावर थाना क्षेत्र के एक गांव से है जहां की रहने वाली एक गरीब परिवार की एक नाबालिग किशोरी अपने सहेली के बरगलाने पर पड़ोस के एक घर में चली गई जहां पहले से मौजूद दो युवकों में से एक ने उक्त नाबालिग के साथ चाकू की नोक पर जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। किशोरी ने एक बच्चे को जन्म दिया। अब किशोरी जिलाधिकारी समेत मुख्यमंत्री के यहाँ पत्र लिखकर न्याय की मांग कर रही है तथा न्याय नहीं मिलने पर आत्महत्या करने की भी बात कह रही है। इधर किशोरी के द्वारा लिखे गए इस पत्र के मिलने के बाद पुलिस और प्रशासनिक अमले में इस समय खासा हड़कंप मचा हुआ है। वहीं जिलाधिकारी ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर एसडीएम सदर के नेतृत्व में एक जांच टीम का गठन कर दिया है जो पूरे मामले की जाँच करके इसी माह में रिपोर्ट डीएम को सौंपेगी। बहरहाल स्थानीय थाना पुलिस ने पीड़ित किशोरी के परिजनों की तहरीर पर गांव के ही एक युवती समेत आरोपी दो युवकों के खिलाफ पहले ही नामजद मुकदमा पंजीकृत करा चुकी है। बाबुआ का मकान से शहर जाने के लिए हम सबको धमकी देते हैं, चाहते हैं कि 10 जनवरी को हम जाकर डीएम साहब के घर पर मर जाए तेल गिरा के जैसे। क्यों आप मरेंगे, क्या वजह थी? कुछ सहायता नहीं की मेरा आज तक लोग किरण मई तो बुला के ले गई सिंटू बन तो घर में रहन किरण गई तब हमको बुला के लेके गई तब घर बंद कर दिली सिंटू धनंजय रहन वही में धनंजय हाथ पकड़ल सिंटू गलत काम कर क्या किया था सर गलत काम कर के चाकू देख के कहे बाप माई के तो तुरंत चाकू मार दे। तो आपको किस तरह की धमकी मिल रही है अभी? हम भी उनके धनंजय के घर के फिर किरण घर से और सिंटू के घर से मिलता कि जब आपके तोरा के हम चाकू मार दे। क्यों चाकू मारेंगे? जैसे लिखा मैंने एक लिखा थे मुकदमा आपने दर्ज कराई है सुलह कर सुलह करें। अगर आप सुलह नहीं करते हैं तो आपको धमकी देते हैं। किस तरह की धमकी है? सिंटू देता हूँ सिंटू के बाप मैं कहता हूँ कि मार दे तोरा के ना करबे असुलह। आपने किसको किसको पत्र दिए हो? मुख्यमंत्री डीएम के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री के तो किस तरह की धमकी मिल रही है आपको? मिलता कि चाकू मार दे हमारे के पापा के। अच्छा हमारे बाबू मई पहले गरीब हमारे बच्चा कुछ से आने के ब्लॉक हम बात एगो धनंजय माता घूमत उनका के होने के गिर बात का। क्या पुलिस उनको धनंजय को गिरफ्तार नहीं कर रही है? ना क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही है? पता तो नहीं कि काहे नहीं कौन छोड़ दिल बनो का तो धमकी देते हमने के तो ना अपना हम छुट्टी गल बनी हम तो उनके जान से मार दे।